स्वागत है संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का। आशा कर रहे हैं आपको जो वीडियो हम बना रहे हैं वो थोड़ी बहुत आपको अध्ययन में सहायता अवश्य पहुंचा रही होंगी। मैं एक थोड़ी सी बात यहाँ करना चाहूँगा आपसे। कुछ हमारे मित्र हैं वो कहते हैं कि इनको प्रश्न पत्रों में कैसे आते हैं, ऐसा भी बताते चलें कि प्रश्न पत्र में ये किस प्रकार से आते हैं प्रश्न जो भी आप पढ़ाते हैं। तो ऐसा पढ़ाने में फिर तो बहुत समय लगेगा, मैं उसको फिर समझाऊंगा तो प्रश्न पत्र में मुझे जाना पड़ेगा, प्रश्न पत्र को उठा करके फिर जो जो विषय पढ़ा रहा हूँ उनके प्रश्न पत्र मुझे ढूंढने पड़ेंगे और मेरे पढ़ाने से उसको आपको भी कोई लाभ नहीं होगा। कुछ चीज़ें अपने आप से करने से लाभकारी सिद्ध होती हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है आप जो भी अध्ययन करें एक बार उसको अध्ययन कर लें, उसके बाद पिछली साल के 10 से 15 साल तक के जितने भी आपको संस्कृत से संबंधित पीजीटी के पेपर और नेट का या नेट का तैयारी कर रहे हो तो नेट के पेपर सभी उपलब्ध हैं, बाजार में उपलब्ध हैं। बाजार में उपलब्ध नहीं है, नहीं ला पा रहे हैं तो आप नेट से ही डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल में सीधे उसको पीडीएफ से देखिए और प्रश्न पत्र को हल करिए। फिर ये देखिए कि आपने जो भी पढ़ा उसमें से कितने इसमें से प्रश्न हैं और आपने पढ़े हैं उसमें से हल कर सकते भी या नहीं, तब आपको पता चलेगा कि मेरा जो अध्ययन कर रहा हूं या मैं अध्ययन जो कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं आपके लिए कह रहा हूं कि आप जो अध्ययन कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। पेपर को जरूर हल करें, प्रश्न पत्रों के हल के बिना आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसके प्रश्न आएंगे कैसे, किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सीधे आज निरुक्त के बारे में चर्चा चल रही है, हमारे उपसर्ग तक समाप्त हो गए हैं। हमने चार पदों में व्यक्त किए थे शब्दों को, नाम, आख्यात, उपसर्ग, और तीनों को बहुत ही विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है। अगर तीनों को ढंग से कर लिया तो मैं ये वादा करता हूँ और दावा भी करता हूँ दोनों बातें हैं कि आपको प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा उसमें से, ज्यों की त्यों आ जाएंगे। बस आपको 102 बार देखनी होगी वीडियो और प्रश्न पत्रों को जरूर हल करना होगा पिछले सालों को। इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि 10 साल तक के प्रश्न पत्रों को अवश्य देखिए, ये मैं हमेशा अपनी इस वीडियो के जरिए बताता रहता हूँ। यहाँ हर चीज संभव नहीं है और मेरे पास तो वैसे भी ना मैं टाइप जानता हूँ, टाइपिंग के लिए फिर मुझे कुछ रखना पड़ेगा, एडिटिंग के लिए कोई और व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा और बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। पीडीएफ यदि मैं बनाऊँ, एक मित्र है उनका पीडीएफ मुहैया कराइए, पीडीएफ की आवश्यकता ही नहीं है जब मैं पूरा ज्यों की त्यों आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, इसमें कुछ हिंट दे रहा होता बाकी सब छोड़ रहा होता तो आपको पीडीएफ की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर कुछ छोड़ा ही नहीं जा रहा है, ज्यों की त्यों पूरा बताया दिया जा रहा है। यहाँ उद्देश्य कोचिंग से संबंध नहीं है, हालांकि पीडीएफ भी अगर बना दिया जाए तो उसमें भी डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन पीडीएफ बनाने के लिए उसको टाइप तो करना होना चाहिए और मैं टाइप जानता नहीं तो मैं कैसे अपलोड कराऊँ। दूसरी बात, अगर सीखूँ भी तो मेरे पास इतना समय नहीं है। मैंने आपको एक या दो वीडियो बताने का प्रयास किया है, मैं 10 से 12 घंटे ट्रेवलिंग करता हूँ, यात्रा करता हूँ, शाम को मुझे समय मिलता है 2 से 3 घंटे का, उसी में मैं इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं कितना इसमें सफल हूँ ये मुझे खुद नहीं पता है, ये आप मुझे बताएंगे। धीरे धीरे प्रयास है कि हर दूसरे से तीसरे दिन वीडियो डाली जाए। मैं 120 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ पर डे, एक विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, उसमें अध्ययनरत हूँ, अध्यापन करा रहा हूँ, तो मेरा जो सफ़र है उसमें समय चला जाता है 4 से 5 घंटे का, सुबह 6 बजे से या मानिए कि 5 बजे से दौड़ भाग रहती है शाम को 4 बजे तक, और बस की भी ट्रेवलिंग की भी यात्रा ऐसी है, कभी खड़े खड़े आ रहे हैं, बैठे आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, थक जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या होती है वीडियो में कि प्रतिदिन नहीं डाल सकता मैं, ये मेरे साथ मजबूरी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश करता हूँ मैं दूसरे तीसरे दिन अवश्य डाल दूँ। थोड़ी सी मैंने चर्चा की, यहाँ थोड़ा समय लिया आपका, अब हम सीधे चलते हैं निपातों पर। 4 भाग हम किए थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग बहुत अच्छे से जान लिए, आज से हम निपात को जानेंगे और निपात को भी विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। निरुक्त है, इसमें आज जो विषय है वो निपात का है। निपात के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कुछ जो वैयाकरण है वो निपातों को भी द्योतक ही मानते हैं, मैंने इससे पहली वाली उपसर्ग बताया था तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, यदि प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं हमारी तो अध्ययन उसमें जरूर करते चलें।
मैंने क्रम से इसलिए बनाई है कि कोई भी चीज छूटे नहीं। यदि आपको बीच में अगर मेरा वीडियो मिलता है तो आप पहली वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। निपात में सीधे पत धातु से बनाया है, जिसका मतलब है तो किसी ने इसका अर्थ लगाया है आ गिरना, कोई चीज है जो आगे गिर जाए, निपतति, गिर पड़ता है। खैर जो भी है, हम सीधे निपातों पर चलते हैं। निपात होते क्या है और वैयाकरण में इनको जब हम लघु सिद्धांत का प्रयोग करेंगे उसमें जब देखते हैं तो निपात को और उपसर्ग को इनकी अव्यय संज्ञा के अंतर्गत इनको रख लिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये प्रयोग किया गया है, वो प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा बड़ा लिखूं, कुछ मित्रों का है कि बड़ा लिखा करें, तो बड़ा लिखने में भी थोड़ी सी मुझे आदत नहीं है। अथ निपातः, ठीक है, अर्थात थोड़ा सा लिख दूं उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। उच्चा अथ निपातः उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति। अपि उपमार्थे कर्मोपसंग्रहार्थे पादपूर्णः। ठीक है, ये दो पंक्तियां, उसके बाद में फिर हम आगे अध्ययन करेंगे इसमें थोड़ा सा। अथ निपातः अर्थात अपनिपातों का वर्णन किया जा रहा है। अथ को मैंने बड़े अच्छे समझाया है, दो जगह समझाने का प्रयास किया है। अथ शब्दानुशासन में समझाया था व्याकरण में, और एक बार मैंने समझाया था अर्थ संग्रह में। आप वहां जाकर के अथ को देख सकते हैं। अथ का सीधा तात्पर्य होता है कुछ हमने अध्ययन किया या जो भी हमने पहले से जानते हैं उसके आगे की प्रक्रिया अब जानने योग्य है। तो हमने जो कुछ अब तक जान लिया, चार तीन हिस्से जान लिए शब्दों के, उसके बाद अब हम निपातों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि निपातों की संख्या मैं बता चुका हूं बहुत ज्यादा होती है। तो यहां देख लेते हैं उनको। अथ निपाता अर्थात अब निपातों को शुरू किया जाता है। उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति। उच्चावच का भी मैं अर्थ बता चुका हूं प्रथम वीडियो में। उच्चावच का अर्थ होता है कि जो निपात होते हैं उनके अनेकों अर्थ होते हैं, नाना प्रकार के अर्थ होते हैं। वो देतक ही नहीं होते, वो वाचक होते हैं, ये निरुक्तकार मानते हैं। तो उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, गलत हो गया, निपतन्ति की जगह, ठीक है। आगे है अपि उपमार्थे। तो प्रथम स्थान पर जो निपात हैं उनको यहां तीन भागों में बांटा गया है। कभी प्रश्न आ जाए कि निरुक्त में निपातों को कितने भागों में बांटा है, तो तीन भागों में बांटा है। प्रथम उपमार्थ में, उपमा के अर्थ में, अपि कर्मोपसंग्रह, कर्मोपसंग्रह में इसका जो अर्थ होता है वो होता है समुच्चार्थक, यानी कि उसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, इस तरह से समुच्चार्थक रूप में लिया जाता है। तो ये कर्म उपसंग्रह दूसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर जो रखा है, तीसरा जो हिस्से किए हैं, तीसरा हिस्सा किया है वो पादपूर्णा, अर्थात उनका कोई भी अर्थ नहीं होता, उनका कोई भी मीनिंग नहीं होती, अर्थलेस होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, वो केवल पद को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये तीन भाग किए हैं, याद रखना है आपको। एक भाग उपमा के अर्थ में, दूसरा समुच्चय के अर्थ में, और तीसरा है पद पूर्ण के रूप में। ठीक है, जो पद पूर्ण होते हैं, तीन अर्थ, तीन भागों में इनको बांटा है। किसको? निपातों को। आशा करूंगा इसमें से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा,
या मान के चलिए जो भी पंक्तियां हैं कोई भी छोड़नी नहीं है, क्योंकि आप परीक्षाओं में देखेंगे, मैं पिछली बार के नेट की परीक्षाओं के बारे में बात करता हूं तो मैंने ये देखे हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, तो उसमें से सीधे सीधे अर्थों को ही पूछ लेते हैं, इसी पंक्ति को दे देंगे, ये कहां दे रखी है, इसका क्या तात्पर्य है, इस तरह से ये पूछ लेते हैं। ठीक है, अब हम सीधे इसमें चलते हैं। इसमें ऐसे बोला गया है, तेषां एते चत्वारा उपमार्थे भवन्ति। यानी कि जो निपात हैं उनमें से चार निपात उपमा के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, प्रथम एव ऐसा नहीं दे रखा, मैं बता रहा हूं, दूसरा न और तीसरा चित, चौथा है नू। तेषां एते चत्वारा उपमार्थे भवन्ती, इन सभी उपमा जो दे रखे हैं, निपात दे रखे हैं, उनमें से मात्र चार उपमा के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रखना है, हमने उपमा का अर्थ जो लिया है इसमें प्रथम, उनमें मात्र चार हैं, एव है, ना है, चिद है और नू है, इससे एक भी बाहर नहीं है। अब इसमें से कभी कभी पूछ लेता है किसके रूप में प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखना है कि ये उपमा के अर्थ में प्रयोग किया गया। अब ये प्रयोग कैसे किए हैं उसको हम विस्तृत में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, ये पद पूर्णा है, उम्मीद है ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तेषां एते चत्वारा उपमार्थे भवन्ति, अर्थात इनमें जो भी दे रखे हैं उपमार्थे, कर्मोपसंग्रहार्थे, पदपूर्णा, इनमें से चार प्रकार के उपमा के अर्थ में प्रयोग होते हैं, वो हैं एव, न, चित, नु। अब इनके हम विस्तृत में थोड़ा सा जाएंगे और तब इसमें पूरी चर्चा हो पाएगी सही से, क्योंकि इतना तो अर्थ आ ही जाता है, अब इनके विस्तृत में भी कभी कभी पूछ लेता है। प्रथम स्थान पर है एव, इसमें बोला गया है इवेति भाषायां च ध्यायं च, अर्थात इव जो है भाषा में, अनु अध्यायं, इसको थोड़ा सा देख लो, इसमें थोड़ी सी बातें समझने लायक हैं। अनु धन अध्याय, अब अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अध्याय शब्द है, अध्याय से तात्पर्य क्या है, यहां वेद से लिया गया है, इसी को वेद का पर्यायवाची माना गया है, याद रखना है आपको, अध्याय वेद का पर्यायवाची माना गया है, अर्थात वेद का एक दूसरा नाम भी है। हमने बहुत सारे नाम जाने थे वैदिक साहित्य के इतिहास में, और आप जाकर के उसमें देख सकते हैं, उसमें आमनाय था, निगम था, स्वाध्याय भी था। स्वाध्याय जो शब्द बना है वो अध्याय से ही बना है। ठीक है, और इसमें अव्यभाव समास है, अध्याये इति, ऐसा इसमें विग्रह हुआ, अर्थात वेदों में भी भाषायाम, भाषाया मतलब लौकिक भाषा, व्याकरण में जो हम पढ़ते हैं, दो प्रकार की होती है भाषा, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा, अर्थात वेद जिसमें प्रयोग किए जाते हैं, वैदिक भाषा अलग थी, लौकिक संस्कृत अलग, वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत, इस तरह से मानिए। तो इव का जो प्रयोग होता है, अब हम उपमा के अर्थ में याद कर लेना, तीन प्रकार के हमने जाने थे उपमा के अर्थ में प्रयोग होने वाले निपात,
कर्म उपसंग्रह के रूप में और तीसरे होते हैं पद पूर्ण के रूप में। तो यहां हम उपमा के अर्थ में ही प्रयोग कर रहे हैं, इसको याद रखना है हमको। उपमा के अर्थ में जो भी प्रयोग हो रहे हैं वो हमने चार प्रकार के जाने हैं, इव, न, चिप और नु। तो इव में वो बोल रहे हैं कि इव एति भाषायाम च अन्वाध्यायाम च, अर्थात इव का प्रयोग लोक में भी और वेद में भी दोनों में उपमा के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। भाषाया मतलब भाषा में, लोक में, और अनुध्याय मतलब वेदों में भी। अब यहां पर जो उदाहरण दिए जाएंगे वो लोक से संबंध नहीं है, क्योंकि हम निरुक्त का अध्ययन कर रहे हैं, तो निरुक्त के वेद से ही उसमें उदाहरण दिए जाएंगे। इसमें उदाहरण दिया है अग्नि रिव, इंद्र इव इति, बस दो उदाहरण दिए, और आप और अन्य उदाहरण देख सकते हैं इसमें। इस तरह से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं हम। इव तो ये विसर्ग का राह हो जाता है, ये सब जानते ही हम, अर्थात अग्नि के समान और इंद्र के समान, ये उपमा है। उपमा मतलब तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, जिसमें तुलना की जाए, सादृश्यता के अर्थ में। उपमा का मतलब सीधा होता है सादृश्यता, तुलना की जा रही है। तो ये इव जो है वो भाषा में और अन्वाध्याय में उपमा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण अग्निरेव और इंद्रेव, जब भी आ जाए ये उदाहरण और पूछ ले तो आपको याद रखना उपमा के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा है ना, ना ना इति प्रतिषेधार्थियो भाषायां उभयम् ना इति प्रतिषेधार्थी भाषायाम उभयम अन्वध्यायम, अर्थात ना का जो प्रयोग किया जाता है, अब हम उपमा के अर्थ में तो प्रयोग कर ही रहे हैं, तो उपमा के अर्थ में इसमें जैसे हमने उपमा के अर्थ में प्रयोग किया तो कहीं भी उपमा वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया शब्द का, लेकिन उपमा से हटकर के यदि कभी प्रयोग किया जाएगा इन निपातों का तो उसको दर्शाया जाएगा। तो यहां वही किया गया है, जैसे ना है, ना को हमने जाना है कि उपमा के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन प्रतिषेधार्थियों भाषायाम, प्रतिषेधार्थ मतलब निषेध के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वो कहां प्रयोग किया जाता है, वो भाषा में, अर्थात लौकिक संस्कृत में, लोक भाषा में वो निषेध के रूप में प्रयोग किया जाता है। उभयम अन्वध्यायाम, अर्थात उभयम मतलब दोनों रूपों में, निषेध में भी और उपमा के अर्थ में भी, निषेध और उपमा इन दोनों के अर्थ में जो प्रयोग होता है ना, वो वेद में होता है, लेकिन भाषा में केवल वो निषेध के रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं, एक दो उदाहरण है इसके भी, कुछ ज्यादा नहीं है। नेन्द्रम देवम अमंसत, एक तो ये हो गया, ये निषेध के अर्थ में प्रयोग किया गया, क्योंकि हमने जाना है कि बता चुके हैं कि भाषा में हम कभी भी इनके उदाहरण नहीं देखेंगे, हम केवल वेद से संबंधित इसके उदाहरण देखेंगे। तो निषेध के अर्थ में हो गया नेन्द्रम देवम अमंसत। दूसरा है
दुर्मदासो न सुराया, ठीक है। एक निषेध के अर्थ में हो गया ये वाला, ये उपमा के अर्थ में हो गया। अब थोड़ी सी यहां इसका अर्थ देखते चले। निषेध के अर्थ में जब भी प्रयोग किया जाएगा तो याद रखना है जिसका निषेध किया जाएगा उसमें ना पहले प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें पहले ना इंद्र किया गया, ना इंद्र देवम अमनसत, अर्थात इंद्र को देवता नहीं मानते, ये इसका अर्थ है। इंद्र को देवता नहीं मानते हैं। दुर्मदासो ना सुरायाम, जब भी किसी से उपमा की जाएगी, तुलना की जाएगी, सादृश्यता दिखाई जाएगी, तो उसके बाद में उपमान के बाद में ना का प्रयोग किया जाएगा। तो दुर्मदासो ना, इसलिए इसमें बाद में प्रयोग किया गया है, बस इसमें इतना ही समझने की है। तो ये दोनों उदाहरण यदि आ जाते हैं तो ये निषेध के अर्थ में प्रयोग किया गया है और दुर्मदासो ना सुरायाम ये उपमा के अर्थ में प्रयोग किया गया। इसका मतलब है जिसने सुरापान को कर लिया हो उसके जैसा मदमस्त होना, जो मद में मस्त होकर के झूमने लगे या गाम जैसा व्यवहार करते हैं सुरापान करने वाले, उनके समान, इसका ये अर्थ है, ठीक है। तो हमने दो तो जान लिए, इव जान लिया अग्निरीव और इंद्रीव के समान, इसमें उपमा के अर्थ में प्रयोग होता है दोनों जगह। ना का केवल प्रतिषेध के अर्थ में, निषेध के अर्थ में भाषा में प्रयोग होता है, उपमा के अर्थ में वहां प्रयोग नहीं होता, याद रखना है। उपमा के अर्थ में भाषा में यानी लौकिक संस्कृत में, लोक भाषा में प्रयोग नहीं होता। क्या? ना। उभयम अनध्वायम, अर्थात निषेध के रूप में और उपमा के अर्थ में दोनों के रूप में ना का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वेदों में। निषेध का अर्थ ये है उदाहरण और उपमा का ये है। आशा करूंगा थोड़ी सी बातें हैं, एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, किस कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी देर में समझ में आती हैं, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, मैं उदाहरण थोड़े हैं मिटाता चलूं, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी नहीं तो। तीसरा है चित, इसमें बोला गया है इत एशो अनेक कर्म, अनेक कर्म, ठीक है। मतलब इत एशा अनेक कर्म, अर्थात चित्त का जो प्रयोग किया जाएगा वो अनेक रूपों में प्रयोग किया जाएगा, वो केवल उपमा के अर्थ में प्रयोग होगा नहीं होगा, वो केवल निषेध के अर्थ में प्रयोग नहीं होगा, वो किसी और के अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है, अर्थात चित्त का अनेक रूपों में प्रयोग होगा। उपमा के अर्थ में तो होगा ही होगा लेकिन अनेक और रूपों में भी प्रयोग होगा। इसके उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें प्रथम जो उदाहरण दे रखा है वो है आचार्य चिद आचार्यश्चित इदम् ब्रूयात् इति पूजायाम, ठीक है। यहां पर जो चित का प्रयोग किया गया, आचार्य चित इदम् ब्रूयात् इति पूजायाम, वो सम्मान के रूप में प्रयोग किया गया है। हमने पूजायाम के बारे में उपसर्ग में भी जाना था, अतिसु इति अभिपूजा पूजितार्थे, अर्थात अति और सु जो उपसर्ग थे दोनों, उनका पूजित यानी सम्मान के अर्थ में प्रयोग किया जाता था, आदर के अर्थ में प्रयोग किया जाता था। ऐसे ही यहां जो चिद का प्रयोग किया गया है वो पूजायाम आदर सूचक है, आदर के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका थोड़ा सा अर्थ जान लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आचार्य चिद इदम ब्रूयात्, इस विषय में आचार्य ही कहते हैं या आचार्य ही आचार्य को ही कहना चाहिए, हम इसमें नहीं जानते, कोई विषय होगा जिसके विषय में वो चर्चा कर रहे हैं। तो यहां उनको आदर दिया है कि आचार्य ही कुछ कहें इस विषय में। अब आचार्य कौन है इसी में थोड़ी सी व्याख्या दे दी, हालांकि हम निर्वचन आगे जानेंगे, अभी निर्वचन की बारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहां निर्वचन दे दिया है। तो यहां पर निर्वचन क्या है, तीन अर्थ दिए हैं, आचारम ग्राह्यति इति, आचारम ग्राह्यति अर्थात जो आचरण को विद्यार्थियों को आचरण की शिक्षा दे, आचरण को ग्रहण कराए, वो आचार्य।
दूसरा अर्थ दिया है इसमें, अचिन्होती अर्थान, वो व्यक्ति जो अर्थों को चुन करके अपने विद्यार्थियों को ग्रहण कराए। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके अर्थ विद्यार्थियों को नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही वो अर्थ स्वयं जानते हैं, उनका इकट्ठा करते हैं, चुनते हैं, अर्थ को मतलब चुनना, सारी चीजों को चुन करके, उनके अर्थों को चुन करके अपने शिष्यों को वो बताते हैं, वो आचार। तो ये जो व्याख्या है, इनका व्याकरण से कोई संबंध नहीं, आपको याद रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तीसरा है, इन्होंने बनाया है अचिन्होती बुद्धिम इति वा, ये तीन है, अर्थात जो बुद्धि को, अब बुद्धि मतलब ज्ञान या बौद्धिक क्षमता को इकट्ठा करके, बौद्धिक से बुद्धि से जिसको इकट्ठा किया है उसने, ऐसे ही आचार्य जो अपने शिष्यों को ज्ञान दे, इस तरह से इसका अर्थ किया गया है। तो आचार्य के ये तीन अर्थ हैं, और विशेष रूप से हम जब इनका निर्वचन करेंगे, 16-17 हैं करीब शब्द, तब उसमें आचार का भी है, उसे और अच्छे से जानेंगे। तो चिद का मतलब यहां मुख्य है उद्देश्य समझाने का, तो चिद का मतलब ये पूजा के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अब हम और इसमें अर्थ थोड़ा सा जान लेते हैं, ये थोड़ी सी बातें समझ में आ गई होंगी, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये निर्वचन था और कुछ नहीं है इसमें। दूसरा इसमें जो अर्थ दिया है वो दिया है दधीचित इति उपमार्थे, अर्थात दधीचित, इस जो चित का प्रयोग किया गया है वो उपमा के अर्थ में प्रयोग किया गया है, ठीक है। दही के समान, इसका अर्थ है दधी के समान, ये मान के चलिए। तीसरा जो अर्थ है इसमें जो प्रयोग किया गया है वो है कुल मांशा चिदाहर इत्ते अवकुत्सित, कुल मांशः कुलेषु सीदन्ति, ठीक है। अगला जो तीसरा है कुल मांशः चिदाहर इत्ते अवकुत्सिते कुलमांशाह कुलेशु सीदंती, इस तरह से इसमें बोला गया। अब थोड़ा सा समझ लो, यहां पर हमने देखा था वो सम्मान के अर्थ में प्रयोग किया गया है चित का, यहां पर उपमा के अर्थ में प्रयोग किया गया है, यहां पर जो चित आहर वो किसके अर्थ में किया गया, कुत्सित के अर्थ में, निंदा के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो चित का अब यहां पर पता चल गया कि अनेकों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब कुलमांशाह चित आहर, कुलमांशाह किसे कहते हैं, या थोड़ा सा कुलमांशाह का अर्थ आज तक कोई निश्चित नहीं कर पाया है, कहीं सब कुछ ज्यादातर जो प्राचीन आचार्य हैं या निरुक्त के आचार्य हैं वो सब मौन है इसके विषय में, लेकिन कुछ हैं जिन्होंने कोशिश की है, कुछ कोश हैं उसमें भी दे रखा है। इसका मतलब होता है गेहूं या जौ या चना, जो भी है घर में उसके बारे में चर्चा की गई। आपके यहाँ और कुछ हो या ना हो, जो भी हो उसको लेकर के आ जाइए, और तो आपके यहाँ क्या मिलेगा। इस तरह से ये अर्थ किया गया है, कुलमशाम कुलेशु कुलेशु सीदंती, आपके घर में गेहूं वगैरह जो पड़े हों थोड़े बहुत, उनको ले आइए। अब इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है बहुत उच्च जो मालदार होते हैं, जो धनाढ्य परिवार होते हैं, उनके घर में कुछ गेहूं रखे 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 खराब हो जाते हैं या खराब होने की कगार पहुंच जाते हैं, तो उनसे कह रहे हैं कि और कुछ नहीं तो उन्हें ले आओ जो खराब होने वाले हैं, इस अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं इसको। कुछ गरीब परिवार के लिए भी इसमें अर्थ लगाया जा सकता है, कि गरीब परिवार है उसके घर में और कुछ हो या ना हो, थोड़ी बहुत अनाज वगैरह गांव का क्षेत्र हो तो अनाज वगैरह जो पड़ा हो उसी को ले आओ, और देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, और आप क्या देंगे, आप उन्हीं को ले आइए जो आपके घर में अनाज वगैरह है, ठीक है। इसके इस तरह से अर्थ लगा सकते हैं, हम अर्थ पे नहीं जा रहे हैं, आप अर्थ का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको फिर निरुक्त का अध्ययन
करना पड़ेगा, और इसका अर्थ का कोई औचित्य नहीं है। हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है चित्त का प्रयोग। तो चित्त को हमने तीन अर्थों में जान लिया, सम्मान के अर्थ में, पूजा के अर्थ में, उपमा के अर्थ में, क्योंकि उपमा तो हम जान ही रहे हैं, और कुत्सित के अर्थ में, निंदा के अर्थ में। तो तीन यहां पर प्रयोग दे दिए हैं, क्यों, क्योंकि अनेक कर्म यहां पर बोला है। चलिए अब हम सीधे चौथे पे चलते हैं, नू वाले पे, ठीक है। अब चित्त का हमें समझ में आ गया, मैं उदाहरण इसके खत्म कर रहा हूं यहां से, क्योंकि जगह फिर कम रह जाती है, बता दिया है मैंने। चौथा है नू, नू हुई इत एशयो अनेक कर्मा में ही है, लिख देता हूं फिर भी, इत एशो अनेक कर्म, ठीक है। अर्थात नू का भी प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। तो अनेक अर्थों में किया जाता है, तो यहां चार पांच चीजें हम देख लेते हैं, क्रम से देखेंगे और आशा करेंगे आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रथम ही देख लेते हैं, मैं इनको लिख देता हूं, फिर एक बार मैं फिर समझाने का प्रयास करूंगा। इदम नू करिष्यति, इत्य उपदेशे, इति हेतुपदेशे, ठीक है। दूसरा है कथम नु करिष्यति, इति अनुप्रष्टे। तीसरा है नु एतद् कार्षीत्, इतिचा। अब ये तीन अर्थ हो गए, चौथा हम जो पढ़ रहे हैं उपमा के अर्थ में, इसमें बोला गया है अथाप्यु मार्थे, अर्थात अब उस उपमा के अर्थ में भी एक उदाहरण देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें देख ले। तो इसमें उदाहरण दिया है वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वया, ठीक है। चल अब हम यहां से थोड़ा सा देखेंगे, इदं नु करिष्यति इति हेतुपदेशे, हेतु मतलब कारण, अर्थात जो प्रथम उदाहरण है, कभी ये प्रश्न पत्र में आ जाए इदं नु करिष्यति, तो इसमें जो नु है, क्योंकि हम नु का अध्ययन कर रहे हैं, किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखना है हेतुपदेशे, अर्थात कारण के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है इदं नु करिष्यति, यह जो करना है अर्थात इस कारण से करेंगे या कर रहे हैं, इस कारण से, कोई भी कारण हो सकता है। इसका एक छोटी सी इसमें उदाहरण दे रखा है कि देवदत्त सुबह सुबह प्रातःकालीन भोजन करने लगा, तो किसी व्यक्ति ने आकर पूछा इतनी सुबह सुबह क्यों खा रहे हो भाई, तो उसने जवाब दिया किसी दूसरे व्यक्ति ने कि इनको गांव जाना है, इस कारण से यह भोजन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इदं नु करिष्यति, इस कारण से करेंगे या कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कथम नु करिष्यति इति अनुप्रष्टे, अनुप्रष्टे का तात्पर्य क्या होता है, प्रश्न। अब ये उदाहरण, ये तो प्रश्न आया भी है एक बार,
कथम नु करिष्यति, यह किस रूप में प्रयोग किया गया, तो याद रखना इति अनुप्रष्टे अर्थात अनुप्रष्टे के रूप में प्रयोग किया गया, यह प्रश्न का उत्तर हो गया। इसलिए मैंने थोड़े से यहां पर दिखा भी दिया है। तो कथम नु करिष्यति, कथम नु करिष्यति, कैसे जाओगे, कैसे करोगे, यानी कि गांव जो जा रहे हो क्यों जा रहे हो, तात्पर्य इसका यह है, कोई काम है, देवदत्त से पूछ रहे हैं। अब दोबारा प्रश्न पूछा है उसी व्यक्ति ने कि वैसे तो इसका अर्थ जो होता है वो ऐसे होता है, कथम नु करिष्यति, कैसे करोगे, लेकिन इसको ढाला गया इस तरह से कि गांव क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो जो भी कार्य होगा उस कार्य के लिए जा रहे हैं, इतने में ही जो भी कार्य बताया होगा, दूसरे वाले प्रश्न है नु एतत अकार्षीद इतिचा, इतिचा से तात्पर्य क्या है, अर्थात ये भी प्रश्न के रूप में ही प्रयोग किया गया है, अर्थात जब भी आ जाए कि नु एतत कार्षित किस रूप में प्रयोग किया गया है, नु नु का याद रखना, नु का ही पूछा जाएगा, तो इसको भी याद रखना, ये अनुप्रष्ठ के रूप में ही पूछा गया है। तो इसका उत्तर फिर मिलता है कि जो गांव जा रहे हो तुम इस काम के लिए, क्या पहले से नहीं किया था, न एतत अकार्षित, क्या यह है पहले नहीं किया था, ये इसका अर्थ है, ठीक है। तो आशा करूंगा ये थोड़ी सी कहानी सी है, आप पुस्तक से भी अध्ययन कर सकते हैं, इसी तरह से ये प्रयोग किया जाएगा। अब बात आती है उपमा अर्थ में प्रयोग, क्योंकि हम उपमा के ही अध्ययन कर रहे हैं। वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वया, अर्थात इंद्र पुरुहूत, या इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है, पुरुहूत वया यानी इंद्र जितनी भी रक्षाएं करते हैं, उनकी रक्षा करने की जितनी भी शाखाएं हैं, रक्षा करने से तात्पर्य मंत्रों की जितनी शाखाएं हैं वो वृक्षों के समान है, वृक्ष की जितनी शाखाएं होती हैं अनेकों, ऐसे इंद्र भी रक्षा के लिए प्रयोग करते हैं अपनी शाखाओं का, बया मतलब शाखाई का प्रयोग किया गया है, ये इसका अर्थ है। तो यहां पर इंद्र की तुलना, उनकी रक्षार्थ जितनी भी क्रियाएं हैं उनकी तुलना वृक्ष की शाखाओं से की गई है। छोटी सी चर्चा थी और इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, और आपके पास पुस्तक है तो बहुत ही बढ़िया बात है, उससे अध्ययन करेंगे तो ये थोड़ी सी लाभकारी आपको अवश्य सिद्ध होगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।